हेलो गाइस, वेलकम टू रैबिट्स किचन। हियर इज अमंगस सलाथिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर पे हम चिकन चाउमीन कैसे बनाएं। अल्लाह मियाँ कसम, क्या स्वादिष्ट चाउमीन बने हुए हैं। आप मेरी वीडियो देखना, घर पे जरूर ट्राई करना। बहुत ही आसान चाउमीन है घर पे बनाना। शिट, सबसे पहले मैंने उबलते हुए पानी में नमक डाला 1 स्पून, 1 स्पून ऑयल। उसके बाद उबलते हुए पानी में अपने चाउमीन डाल दूंगा, चेक करता रहूंगा उसको कब गलेंगे, अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद प्लेट में डाल दूंगा, उसमें ऑयल लगाऊंगा 1 स्पून, अच्छे से मिक्स कर लूंगा, नॉन स्टिक हो जाएंगे एकदम। ये सबसे मेन काम होता है चाउमीन बनाने का। दूसरी तरफ मैंने चिकन लिया हुआ है, उसके छोटे छोटे पीस करूँगा बोनलेस, एक कटोरी में डाल के। उसमें सबसे पहले मैं सोया सॉस डालूंगा 1 स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर चुटकी सा, कॉर्नफ्लावर 1/2 स्पून, सॉल्ट। दूसरे में मैंने सॉस बनाना है, पहले सॉस लिया मैंने, उसके बीच में 1 स्पून सोया सॉस डालूंगा, विनेगर डालूंगा 1/2 स्पून। ये मैंने शेजवान की चटनी ली है, ये आप घर पे भी बना सकते हो गार्लिक के साथ। सॉल्ट लिया वो मैंने 1/2 स्पून, अच्छे से मिक्स कर लूँगा मैं उसको। चिली फ्लेक्स ली हुई है थोड़ी सी। उसके बाद हम वेजिटेबल काटेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च काटूँगा मैं। आपको सभी वेजिटेबल पतली पतली और लंबी काटनी है, इससे देखने में अच्छा लगेगा। और हम खाने से पहले अपनी आंखों से खाते हैं। ये मैंने रेड चिली ली हुई है, उसके अंदर वाला पार्ट निकाल लेना है। मेरी सारी वेजिटेबल तैयार हैं जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। उसके बाद मैंने चिकन लिया, उसको मैं गरम तेल में डालूंगा, बड़ी सी कढ़ाई ली हुई है मैंने। 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगा, फ्राई करूंगा उसको। उसके बाद जल्दी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूँ, बना के डाला हुआ मैंने इसमें। और उसके बाद वेजिटेबल डालूंगा पूरे 4 मिनट के बाद। उसको अच्छे से पकाऊंगा, लो फ्लेम में पका रहा हूँ मैं वेजिटेबल्स को, नहीं तो ये नीचे लग सकते हैं ज़्यादा जल्दी। हमारी वेजिटेबल्स कुछ ऐसे दिख रही है चिकन के साथ। उसके बाद मेरे चाउमीन जो रेडी रखे हैं वो मैं डालूंगा इसको। देखो एकदम अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पकाया हुआ है, अच्छे से बॉईल किया हुआ है, अच्छे से तेल लगा के साइड पर रखा हुआ था। उसके बाद जो मैंने सॉस बनाया था उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगा। आपको अच्छे से मिक्स करना है उसको, प्यार से करना है, काटना नहीं है इन चाउमीन्स को। और अभी पक गए हैं और सीधे मेरे प्लेट में जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया खाने में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ जाके करें और कमेंट करें। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में, और आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।